नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हम YouTube के कम्युनिटी टैब पर किस तरीके से फुल इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आपको पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना या फिर आप चाहे तो कोई भी फोटो एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद पिक्सल लैब का कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है, तो आप इसे पहले सिलेक्ट कर ले, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा न्यू टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो गया। दोस्तों जैसे ही हमने पिक्सल लैब को ओपन किया था, हमारा यहाँ पे इमेज का साइज स्क्वायर पे है। अगर यह नहीं है तो आप थ्री डॉट पे जाके इमेज साइज पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ से इमेज साइज को स्क्वायर पे सिलेक्ट कर दे। चलिए हमारा इमेज साइज यहाँ पे स्क्वायर पे सिलेक्टेड है, तो मैं ऐसा ही रहने दूंगा। आप चाहे तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पोस्ट की साइज को क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे इमेज की बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते दोस्तों बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप इस तरीके से अलग अलग कलर को भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ ब्लैक टाइप का अभी यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी अलग अलग कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने मुताबिक यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका थंबनेल को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से आपको थंबनेल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप इसे रिसाइज कर सकते हो, आप यहाँ पे बीच में इसे ला के रिसाइज कर लो, आप अपने मुताबिक यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो। अगर आप इस थंबनेल को और भी आसानी से मिडिल पे सेट करना चाहते हो, आप ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद इस मैग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप अपने थंबनेल को आसानी से ड्रैग करके मिडिल पे सेट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप ग्रिड वाले ऑप्शन को बंद कर सकते हो, ग्रिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो थंबनेल है वो मिडिल पे सेट हो गया। उसके बाद हमें बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। हमारा बैकग्राउंड मैच हो जा रहा है थंबनेल से और सही नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे ए वाला साइन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ए वाले साइन पे क्लिक कर देता हूँ, बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हो टाइप कर दो। मैं यहाँ पे क्लिक ऑन द लिंक यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे इमोजी को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक हैंड गेस्चर वाला इमोजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करते आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको टेक्स्ट को अगर इंक्रीज करना है टेक्स्ट साइज को, तो आप नीचे पे ऑप्शन पे जाके आप साइज वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दो, क्लिक कर दो। क्लिक करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, आप अपने मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर लो। और चाहे तो आप ग्रिड का मदद यहाँ भी ले सकते हो इसे बीच पे सेट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो ग्रिड की सहायता से। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जब आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है या फिर आप डिक्रीज कर लेते हो टेक्स्ट के साइज को। उसके बाद आप चाहे तो इमेज या टेक्स्ट को रिलेटिव रिपोजिशन की भी मदद से आप अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हो, मिडिल पे या फिर आप कहीं भी जहां पे आप सेट करना चाहते हो टेक्स्ट को। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पे यहाँ पे बदलाव लाता हूँ, आप इस ऑप्शन की मदद से इसे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर पे कर सकते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का अभी आता है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से रिपोजिशन कर ले, फिर टेक्स्ट पे आपको कलर अगर चेंज करना है तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे। उसके बाद आप यहाँ से आसानी से कोई भी कलर को चूज कर सकते हो आप अपने मुताबिक। मैं यहाँ से ब्लैक को चूज कर लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पे ब्लैक कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते आप देख सकते हैं हमारा इमेज रेडी है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना, आपको सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही हमारा इमेज गैलरी पे सेव हो गया। जैसा कि अगर मैं गैलरी को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इमेज सेव हो गया है। तो चलिए अब हम इसे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यूट्यूब को ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें चैनल के प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे योर चैनल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आपको सबसे पहले उस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेना है जिस वीडियो को आप कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करना चाहते हो। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको क्लिक कर देना। तो हमारा वीडियो का लिंक कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ए पोस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दो जितना भी बार आप लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, इमेज यहाँ पे फुल साइज पे आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारा जो कम्युनिटी टैब पे पोस्ट हो जाता है इमेज। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप पोस्ट को यहाँ से देख सकते हो, हमारा जो इमेज है वो फुल साइज पे आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप यूट्यूब पर फुल साइज पे कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर सकते हो इमेज को। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।